देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसने पहले सबसे पहले जो सालाना जो हमारा वार्षिक रिजल्ट था वो 28 अप्रैल को हमने घोषित किया था। तो अगर हम देखें कि जो पोस्ट कोविड के बाद, तो एक बार ये हुआ कि हमारा कस्टमर के साथ में कनेक्ट नहीं है, स्टाफ के साथ में भी HO ZO का कनेक्ट नहीं है, सो क्योंकि स्वाभाविक है ट्रेवल्स वगैरह सब बंद थे। तो रिज़ल्ट आपने देखा होगा कि 7 से 8 क्वार्टर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपका बैंक है वो काफ़ी पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा कर रहा है, कई मामलों में बेंच मार्क्स में इंडस्ट्री में भी नंबर वन पे है। तो इसलिए हमने ये करीब मई 3 से हमने आउटरीच प्रोग्राम चालू किया है और एक्सपोर्टर्स मीट, कस्टमर कनेक्ट, कस्टमर आउटरीच, तो ये हमने ऑलमोस्ट करीब 35 सिटीज़ में अभी तक में किया हुआ है। और वहाँ पे हम जाके, तो इसको बोलते हैं ना कस्टमर, तो ब्रांच तो है हमारी 2100+ ब्रांचेस ऑफिसेस है, बट आउटरीच का मतलब है कि कस्टमर के पास तक जाना, उसको समझना, उसकी ज़रूरतों को समझना, जो उसने एप्लीकेशंस दी हुई हैं उस सेंक्शन, उसमें जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर डिसीजन देना। और ऐसे जो होते हैं फंक्शंस आउटरीच प्रोग्राम, वहाँ पे हम उनको बताते हैं कि उनका बैंक कैसा कर रहा है, जो परफॉर्मेंस है। अभी आपने देखा होगा 18 जुलाई को बैंक ने अपने पहली तिमाही के रिजल्ट भी घोषित किए हैं। तो उसमें हमने, ये भी एक तरीका है कि उनको भी मालूम रहे, कई बार एप्लीकेशन कोई कस्टमर देता है लेकिन फिर बाद में वो पूछता है कि हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ, कोई लोन एप्लीकेशन है या कोई भी चीज़ है, तो ये भी है कि हम उनको बताएं कि उनका बैंक क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या क्या अच्छी स्कीम्स है बैंक के अंदर में, उनकी बात सुने, कहीं उनको भी लगता है कोई चीज़ की कमी है कहीं पे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तकनीकी हो सकती है, सर्विस रिलेटेड अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कस्टमर आउटरीच का ये जो हमने यहाँ पे एक आज प्रोग्राम रखा था, इसमें हमारे चारों जोन हैं, एक मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ, थाने और नवी मुंबई, चारों जोन ने मिलके हमने ये किया था। तो इसमें हमने आज 2700 करोड़ के ऊपर का फाइनल सेंक्शन आज हमने कस्टमर को हैंडओवर भी किया है, जो अगले करीब 15-20 दिन में सब डिसबर्समेंट भी हो जाएंगे। तो ये एक, अगर आपने मेरे से पूछते हैं कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम है इसका आपका क्या पर्पस था, तो बैंक का सिर्फ ये पर्पस है कि हम कस्टमर तक पहुँचें, उसको समझें, उसकी कोई एप्लीकेशन है तो उसको सेंक्शन दें, उसकी अगर कोई सुझाव है बैंक के प्रति उसको पूरा करें, रिलेशनशिप को पूरा करें और रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएं। और साथ में एक ये भी ज़रूरी होता है कि हम अपने स्टाफ को भी बताएं कि जैसे हमारे जो HO से जो हमारे क्रेडिट के GM है वो भी आ जाए हुए हैं, तो उनको भी सबको लगता है कि हाँ, ये हेड ऑफिस से भी जब इसके ऊपर में इतनी संजीदा है, लोग इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हर को सबको मिलके काम करना है। और कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक सुप्रीम स्टेक होल्डर है, उसके लिए काम करना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन में जो लोग ने जो आपका किस तरह से बैंक ऐसा, हम लोग का आपको ये सुना गया कि वो बैंक की तरफ से बहुत प्रेशर दिया गया, तो इस तरह कोई मास्टर बैंक की तरफ से कोई राहत दिया गया क्या? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अगर आप देखें तो इसमें दो चीज़ें थी, एक तो रिज़र्व बैंक जो है उसके तहत भी स्कीम आई हुई थी कि जहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग भी परमिटेड था। एक तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो रिज़र्व बैंक से आया था वो आया था मोरेटोरियम मार्च 2020 के बाद से, तो पहले 6 महीने का था, वो भी बढ़ के हुआ, और फिर जब बारी आई कि उसके रिपेमेंट की, तब रीस्ट्रक्चरिंग जो है तो ऑफ़र की गई थी, OTR जिसको बोलते हैं, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये आपके जो बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये कस्टमरों से को समझा, उनके जो लोन दिए गए थे उनको समझा, और जहाँ पे भी ज़रूरी था RBI के नियमों के तहत वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की गई। इसमें अगर आपको याद होगा तो भारत सरकार की तरफ से GLC GS का भी स्कीम था, गारंटीड स्कीम जो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए थी, उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने काफ़ी बढ़ के काम किया, और जहाँ जहाँ पर भी जो शेयर हो सकता था या जो भी एप्लीकेशन आई उसको तुरंत उस पर निपटान करके उसको हमने वहाँ पे सेंक्शन करके डिसबर्स किया था। तीसरा होता है कि कई बार आपको देखने में आता है कि कोविड पीरियड में जो है तो कई बार सेट डिमाइस हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन की ही बात है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि डिपॉजिट में भी, तो वो डेथ क्लेम सेटलमेंट होता है, तो वहाँ पर भी मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बैंक के अधिकारियों को कि उन्होंने भी वहाँ आगे बढ़ के लोन को, मतलब अपना जो डेथ क्लेम का सेटलमेंट है, मतलब बैंक ने पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग की,
और साथ में रहे समाज के, और कोविड में जितनी भी चीज़ें सरकार रिजर्व बैंक इसने दी थी वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तत्परता से आगे की। इसके साथ मैं और भी बोलूँगा कि आपका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसमें सुरक्षा स्कीम्स है, पीएम जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी जो हुई थी उसका जो क्लेम था बहुत जल्दी उसको सेटल कराया है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ में टाई अप के हमने जो अपने कस्टमरों को दिया है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें तत्परता से, और आज आप देख भी रहे होंगे कि करीब 350-400 कस्टमर थे और 2700 करोड़ का हमने सेंक्शन दिया है, और आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कासा 56-58% है। वो इसीलिए है कि जो रिलेशनशिप है, आज भी कई कस्टमर ऐसे थे जो चार पीढ़ियों से हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं मुंबई में, आज वो इस फंक्शन में थे, तो एक हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और धन्यवाद भी करते हैं। सर दूसरी बात है कि आपने जो होम लोन है EMI फ्री, मतलब ये एसेंशियल, मतलब इसको पूरा कर ये पता ही ना क्या है कस्टमर के लिए क्या करना। देखिए क्या होता है कि एक तो होता है किसी भी होम लोन के फीचर होते हैं, जनरली सभी बैंकों के होम लोन फीचर्स लगभग सिमिलर होते हैं, अगर कोई फ़र्क होता है तो प्रोसेसिंग फ़ी में होता है, दूसरा कोई फ़र्क होता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है, और तीसरा अगर हम बोलें तो जो एक सर्विस होती है, चाहे वो TAT भी आप बोल दें सेंक्शन करने में, और उसके पश्चात में भी आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना है, तो ये तीन चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। चौथी चीज़ हमने जो इनोवेशन के रूप में निकाली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने वैसे ही कम रखा था, क्योंकि हमारा जो कासा है वो खुद ही हमारा 57-58%, अगर आप मार्च देखेंगे तो 58% कासा है, और अगर अभी का देखेंगे तो 56% जून का कासा है, उसके कारण से हमने ये तो इसको अपना रेट जो पहले भी था 6.40 रखा था, और आज भी हमारा 7.30 रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सबसे कम है पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन ये आपने जो क्वेश्चन किया कि तीन जो EMI है, ये भी हमने एक कस्टमर के लिए निकाला, क्योंकि जब एक कस्टमर हम पे विश्वास करता है और अपने जो डिपॉजिट्स हैं रखता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको अपना उनका लाभ अगर बैंक कहीं पे अच्छा कर रहा है तो उसको रेसिप्रोकेट करें, तो उसके तहत हमने उसको 3 EMI फ्री रखा। तो ये 5वें वर्ष 10वें वर्ष और 15वें वर्ष ये ऐसे है तो एक लगातार रिपेमेंट होता रहता है, तो वो जो एक है अगर आप इसको डिस्काउंट करें, तो अगर आप देखेंगे इसको डिस्काउंट करते समय तो 7.30 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इसको डिस्काउंट करेंगे तो कम से कम 22-27 पैसे का फर्क हो रहा है। तो सर ये तो EMI जो आपने नहीं, ये सभी कस्टमर के लिए जो हमारे साथ में होम लोन ले रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। जी सर मैं एक जोड़ूंगा, सर उसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो क्यों दिया है अगर ऐसा पूछोगे, तो जो रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं कस्टमर समय पे कर रहे हैं, अगर 5 साल उन्होंने समय पे पहले किस्त चुका दी है तो 5 साल के बाद एज ए डिलाइट कि उसने अच्छा काम किया, अच्छी रिपेमेंट की है, समय पे किया, उसका उसको गिफ्ट के तहत हम उसको 5 साल के बाद एक EMI फ्री देंगे, उसके बाद फिर से 5 साल अगर वो ठीक से रिपेमेंट कर रहा है तो और एक EMI फ्री देंगे और 5 साल के बाद देंगे, तो ये इंसेंटिव एक टाइप का जो अगर ठीक से रिपेमेंट कर रहा है कोई हाउसिंग लोन वाला। नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे बैंक का जो आज भी रेट है 7.30 है जो सबसे कम है, और ये 3 EMI को अगर फैक्टर करेंगे तो लगभग 0.20 से 0.25 के बीच में और इम्पैक्ट आएगा, तो वो आप कर लीजिए 7.30 में अगर कम करेंगे तो वो 7.10 के आसपास ही आएगा रेट, क्योंकि ये तीन तो फ्री हो रही है तो स्वाभाविक है आपको तो जो भी रेट लगता है वो तो EMI में कन्वर्ट होता है। पहला पेमेंट करना पड़ेगा या जीरो
नहीं, इसमें डाउन पेमेंट कुछ भी बैंक में नहीं होता है, आपका मार्जिन होता है जो जो डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स में सैलरी के लिए अलग, सबके लिए अलग है। वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, 80% भी 90% भी देते हैं, वो डिपेंड करता है। पर जनरली अगर आपको स्कीम चाहिए तो पूरी स्कीम तो वेबसाइट पे है, कि चाहे वो कार लोन है चाहे जो भी लोन है, पूरी स्कीम्स है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि सैलरीड के लिए अलग होता है, बिजनेस क्लास के लिए अलग होता है, उम्र के हिसाब से अलग होता है। तो कोई मान लीजिए हमारा 75 वर्ष तक हम देते हैं होम लोन, तो किसी को अगर 65वें वर्ष में चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, नॉट ओनली ओनली ऑन वन फैक्टर। बट एज ए बैंक वो 80% भी लोन दे देता है, जो भी टोटल कॉस्ट है, स्टैम्प ड्यूटी, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं उनको मिला के, और इवन 85 पे भी दे देता है, 90 पे भी देता है, डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ले, अगर उसको ज़्यादा मार्जिन अगर कम कर रहा है वो। सर ऑल्सो अभी जो है करेंटली सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए गए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिलेगा कस्टमर्स उनको, अगर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये अगर हम देखें तो पिछले करीब पिछले 3-4 महीनों में जो बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत हाई था, आपने देखा होगा, तो जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ है, रिजर्व बैंक भी है, तो उन्होंने इसमें बढ़ोतरी की है, 90 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो अक्रॉस द बोर्ड स्वाभाविक है, क्योंकि आप तो दो चीज़ देखिए, एक तो 90 पैसे हुई है, दूसरा CRR भी 40-50 पैसे बढ़ा था, तो उसका भी इम्पेक्ट आता है, क्योंकि हमको वो रखना पड़ेगा, उस पर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर हम पूरा देखें तो सभी बैंकों में अक्रॉस द बैंक तो स्वाभाविक रेट ऊपर गए, लेकिन फिर भी अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देखेंगे तो आज भी हमारे, जैसे हमने अभी अभी बताया होम लोन में, हमारा आज भी अगर आप फ़र्क देखेंगे दूसरे बैंकों से तो 15 से 25 पैसे का फ़र्क है, हम आज भी लोएस्ट बकेट में हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि स्वाभाविक है कि अगर इकोनॉमिक तरीके पे कोई चीज़ का मोमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, तो वो ठीक है, वो तो एक कंसिक्वेंशियल इम्पैक्ट आएगा सब जगह पे। लेकिन चूंकि हमारे एक कस्टमर की रिलेशनशिप है, कस्टमर का हमारे पे विश्वास है, और इसीलिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कस्टमर बेस है, और जिस लॉयल्टी के साथ में है, कासा उसको दिखाता है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, तो एज ए रेसिप्रोकेशन ऑन द सेलेक्टेड सेक्टर्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ऑलरेडी कम करके रखा हुआ है, तो इट इज़ फेवरेबल टू द कस्टमर्स, ग्राहक के लिए अच्छी बात है। देखिए मेरे को तो सबसे पहले तो हम तो ठीक हैं, जो हम एक बोल भी रहते हैं, हम तो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दूसरा स्टेक होल्डर रिजर्व बैंक भी है, कस्टमर तो स्वाभाविक है नंबर वन पे है, तो ये सब हमारे और स्टाफ भी स्टेक होल्डर है, तो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव इफ यू से एज ए मैनेजमेंट। देन वी फील हैप्पी दैट the on one side customer is having a very good loyalty support to the bank, secondly my staff members are very good, proactive, young, dynamic, innovative, tabhi ye sab cheeze aati hain, aur agar teesra cheez main bolu to jo aaj bhi aapne dekha hoga ki aaj bhi kam se kam shayad minimum 25 education loan hum yahan de rahe the। अब आप ये समझिए कि 25 से 30 अगर एजुकेशन लोन एक दिन में हमने दिए हैं, और जिसमें सब के सब फॉरेन जा रहे थे, और मैंने उनके पोर्टफोलियो भी पूछे कि आप किस में, तो कोई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कोई साइबर सिक्योरिटी, तो ये आने वाले समय के साइंटिस्ट हैं। तो हमें खुशी ये है कि आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र इनको आगे पढ़ने में सपोर्ट कर रहा है, ये जब आएंगे तो ये ज़रूर हमको याद रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और हमको भी खुशी होगी कि ये बड़े पदों पे रहेंगे, बड़े प्रतिष्ठानों में रहेंगे, और हमारे बैंक का, अपने खुद के बैंक का नाम रोशन करेंगे। तो ये प्रसन्नता का विषय अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो अगर मेरा कस्टमर खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरा स्टाफ खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर मेरे इकोसिस्टम में लोग खुश हैं तो हम खुश हैं। देखिए कि इसमें ऑनलाइन जो डिजिटल बैंकिंग, ये तो ऑर्डर ऑफ द डे है,
और ये बढ़ता ही जाएगा बोथ ऑन द अकाउंट एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड, मतलब डिपॉजिट साइड भी और लोन साइड भी ये बढ़ेगा। अब बात आती है कि बैंकों ने क्या अपने सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखा है ताकि ये सुरक्षित रहे। यह मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपका बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। आईटी सिस्टम्स जो होते हैं तो इसमें दो प्रकार के जो हमने देखे हैं कि जनरली सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, एक होती है साइबर सिक्योरिटी बाहर से और एक होती है इंटरनल। तो इंटरनल का मतलब दोनों प्रकार से होता है कि अगर बैंक में कुछ गड़बड़ी हो जाए, दूसरा होता है कि अगर कस्टमर खुद अपना ओटीपी दे दे। अब मैं दोनों फ्रंट पे आपको बोलूँगा कि आपके बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है कि ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट हमने काफ़ी हमारी एजेंसीज हैं जो लगातार हमको मॉनिटर करती रहती है 24/7, जिसको सीसोक और नॉक बोलते हैं, और काफ़ी हमारे सॉल्यूशंस इस हायर एडवांस लेवल के हमने लगाए हुए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में अभी तक में हमने कोई अटैक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सब ईश्वर की भी कृपा है, ऊपर वाले की भी कृपा है और सब विश्वास है लोगों का, हमने कोई भी इसमें आज तक अभी तक नहीं देखा है। दूसरी बात रही इंटरनल सिक्योरिटीज़, तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज़ में भी स्टाफ को अवेयरनेस करना ताकि कोई फिशिंग अगर मेल आए कुछ भी आए, तो हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत कम उसका कोई भी रिएक्शन है। तो मतलब जो स्टाफ है वो भी काफ़ी अवेयर है। अब तीसरी चीज़ आती है कि जब कस्टमर खुद अपना ओटीपी देके फ्रॉड हो जाता है, तो वहाँ पे हमने एक काम किया है कि जहाँ पे भी हम काफ़ी कस्टमर, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएंगे, लिंक्डइन, फेसबुक और सब, तो वहाँ पे हम काफ़ी बार ये हम वहाँ पे प्रेषित करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ओटीपी नहीं देना है, आपको अपने पासवर्ड नहीं देना है। दूसरा ये है कि अगर आप हमारे मोबाइल ऐप में जाएंगे और इंटरनेट बैंकिंग में जाएंगे तो हमने जो फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखे हुए हैं, ईज़ भी देखी है कस्टमर की, ग्राहक की, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करें, बट हमने सिक्योरिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो हमने जो अभी तक पाया है कि हमारे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या ऐसा कोई भी अल्टरनेट तरीके पर अभी तक बैंक में कोई ऐसे फ्रॉड नज़र नहीं आए। तो हम इसको बार बार रिव्यू करते हैं कि कस्टमर का ईज़ भी रहे, ईज़ ऑफ ट्रांजेक्शन भी रहे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी रहे, एट द सेम टाइम उसको जो है तो सिक्योर्ड भी रहे, और हम कस्टमर का हम बीच बीच में ऐसे कस्टमर मीट करके हम उनको अवेयरनेस भी क्रिएट। सर लास्टली नेक्स्ट 5 ईयर्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कहाँ देखते हैं और क्या क्या नए इनिशिएटिव और भी कस्टमर्स के लिए आप लोग लाने वाले हैं, इस बारे में कुछ है? जी हाँ, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे अपना प्लान होते हैं तो पहले छोटा बैंक, स्मॉल साइज बैंक हुआ करता था, अभी वो हम 3 लाख के ऊपर चले गए हैं तो मिड साइज बैंक है। तो स्वाभाविक है कि आपका बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसी सपोर्ट, कस्टमर के सपोर्ट, स्टाफ के सहयोग से, सबके सहयोग से, तो एक लार्ज साइज बैंक 5 लाख करोड़ को आई कर रहा है। तो बैंक के बोर्ड ने भी उसको प्लान को अप्रूव किया हुआ है कि दिसंबर 23 या मार्च 24 तक हम ये सोच रहे हैं कि हम 5 लाख करोड़ का टोटल करेंगे, और उसी प्रक्रिया में पूरी टीम उसमें काम कर रही है। दूसरी बात रही आपने जो डिजिटल का क्वेश्चन किया, तो हाँ आपका बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसे कि हमारे वेबसाइट पे भी जाएंगे तो काफ़ी RFP आपको मिलेंगे जिसमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, काफ़ी हमारे सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। तो IT में आपका बैंक काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है और सेलेक्टिवली कर रहा है, बेसिकली कस्टमर जर्नीस, डिजिटल जर्नीस, डिजिटल ऑपरेशंस और डिजिटल कंप्लायंस के ऊपर बैंक फोकस कर रहा है। थैंक यू सो मच अरे भैया मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।